कंगना की थलाइवी का ट्रेलर कैसे मचा रहा है धमाल, क्या होने वाली है फिल्म की कहानी और खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉडीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। थलाइवी का ट्रेलर लॉन्च मुंबई और चेन्नई में आयोजित किया गया, जहां कंगना रनौत का गॉर्जियस लुक देखने को मिला। थलाइवी का ट्रेलर हिंदी के अलावा तमिल भाषा में भी रिलीज किया गया है। थलाइवी के ट्रेलर में आपको तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के अभिनय, किरदार और सब कुछ, राजनीति में जो उतार चढ़ाव था वो देखने को मिलेगा। उनके निजी जिंदगी के घटनाक्रम देखने को मिलेंगे जो कि उनके फैंस अंजाम देंगे। लगातार महिला केंद्रित फिल्म करने वाली कंगना रनौत ने एक बार फिर से फैंस को अपनी एक्टिंग स्किल्स से खुश करके रख दिया है। वो जयललिता के लुक में एकदम फिट दिखाई देती है। वहीं कंगना का रोमांस वाला अंदाज तो बहुत ही शानदार है। कंगना रनौत फिल्म के ट्रेलर में अलग अलग अवतारों में दिखती है, कभी कलाकार के रूप में तो कभी दमदार राजनेत्री के रूप में। कंगना अपने किरदार के साथ न्याय करती हुई नजर आ रही है। 3 मिनट से ज़्यादा के इस ट्रेलर में कंगना के अलावा अरविंद स्वामी ने भी अपना जो बज है वो बनाए रखा है, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। साउथ एक्टर अरविंद स्वामी का रोल इस फिल्म में सबसे अहम है। वो जयललिता के करियर को बनाने वाले एमजी रामचंद्रन का रोल निभा रहे हैं। वो लुक में भी हूबहू वैसे ही दिख रहे हैं। ट्रेलर में कंगना रनौत वैसे तो कई डायलॉग्स कहती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस डायलॉग पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। वैसे बता दें कि थलाइवी की पटकथा बाहुबली और मणिकर्णिका जैसी स्क्रिप्ट लिखने वाले मशहूर स्क्रिप्ट राइटर वी विजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, और इसका जो डायलॉग है, महाभारत का दूसरा नाम है जया, ये वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। कंगना रनौत थलाइवी ट्रेलर लॉन्च में साड़ी पहनकर पहुंची। सोशल मीडिया पर फैंस से फोटो शेयर करके अपने लुक को उसके बारे में बताया, लुक शेयर किया और वाकई बहुत सुंदर नज़र आ रही थी। कंगना रनौत ने जयललिता के किरदार को निभाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, जिसे आप ट्रेलर में आसानी से देख सकते हैं। उन्होंने 20 किलो वजन अपना बढ़ाया हुआ है, जमकर जिम में पसीना बहाया। कंगना रनौत आज अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही है और उसी मौके पर उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं आपको बता दें, सोमवार को 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान हुआ, जहां कंगना रनौत ने मणिकर्णिका और पंगा जैसी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किरदार और अवार्ड भी वो अपने नाम कर चुकी हैं। तो दोस्तों, ट्रेलर नहीं देखा तो देखिए, और कैसा लगा ये ट्रेलर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।